नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जो है सो डेस्कटॉप पे, जैसे ये दिख रहा है क्रोम का आइकन है, ये आप ला सकते हैं अपने उबुंटू में। जनरली उबुंटू का कोई भी वर्जन हो उसमें ला सकते हैं। जनरली इसमें ऑप्शन नहीं होता है ऐसा, आप सिर्फ लॉन्चर में ला सकते हैं अगर आपका 1604 है या 1804 कोई भी हो, लेकिन आप डेस्कटॉप पे नहीं ला पाते हैं। तो डेस्कटॉप पे लाने के लिए आपको सिंपली करना यह है कि फाइल मैनेजर खोलना है। फाइल मैनेजर मेरे पास दो है, जैसे कि एक ये फाइल मैनेजर है और एक ये फाइल मैनेजर है, देख लीजिए खुल जाता है। हाँ, तो देख सकते हैं आप, एक ये फाइल मैनेजर है, ये पुराना वाला है, और ये वाला नया है। ये जो है 1804 में आया है, नया फाइल मैनेजर है ये। तो ये दो फाइल मैनेजर है। तो जनरली आपको करना ये है कि पुराने वाले में भी इस पर क्लिक करके ऊपर में चला जाना है, रूट में जाना है आपको, कैसे भी करके रूट में जाना है, इसको खटा देते हैं। नए वाले में आपको ऑर्डर लोकेशन पर जाना है, उसके बाद कंप्यूटर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक फोल्डर ढूंढना है जिसका नाम है USR से, USR ढूंढना है, और USR पे आपको जो है सो क्लिक, रुक जाइए यार, क्लिक करना है। और USR पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशंस ढूंढना है। तो एप्लीकेशन कहाँ है, ये रहा एप्लीकेशंस, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद बहुत सारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन खुल गया। तो जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद है, कोई भी, जैसे गूगल क्रोम है, तो इसको अगर आपको डेस्कटॉप पे लाना है, सिंपली या तो इसको कॉपी कर लीजिए या फिर सीधे ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ दीजिए डेस्कटॉप पे। देखिए ओरिजिनल फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए नहीं जो है उसको रिप्लेस कर दिए। और भी कोई है, जैसे कि ये एच टॉप करके है, ये मॉनिटर एप्लीकेशन है, ये सिस्टम मॉनिटर, इसको ला के और यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए आ गया, और उसके बाद सिंपली हम इस एप्लीकेशंस पे, ये रहा वो एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अनट्रस्टेड एप्लीकेशन लॉन्चर, उस पर ट्रस्ट एंड लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। देख लीजिए ये हो गया ना एप्लीकेशन लॉन्च, यहाँ पे CPU यूजेज बता रहा है, CPU यूजेज बता रहा है, तो जो है सो एप्लीकेशन खुल गया। तो इसी तरीके से आप जो है सो कोई भी मतलब इस फोल्डर में से कोई भी एप्लीकेशन, इसमें हर एक एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, उसको आप जो है सो डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।